और वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि टेबल टेनिस कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप पंचकुला में होगी और डिप्टी सीएम ने कहा है कि ओलंपिक में हरियाणा का 50% योगदान होगा और साथ ही बजट और वसूली वाले बिल पर भी दुष्यंत चौटाला ने अपनी बात रखी। टेक्निकल चेंजेस थे जो यूजीसी के नॉर्म्स की वजह से आए थे, उसको सरकार ने विड्रॉ कर फ्रेश डाला है और मुझे लगता है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हरियाणा में होगी जो प्रदेश देश का 33% मेडल टैली देता है, वही स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से नए अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर पाएगा जो आने वाले समय में इस 33% को भी 50% पे ले जाने का काम करे। हमारी तो प्राथमिकता है कि खेलों को और बढ़ावा दिया जाए और उसके लिए जहाँ एक और पर खेलो इंडिया हमारे प्रदेश को मिला है 2021 का, उसके साथ साथ जो मैंने पीछे भी कही थी कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, मेरी कॉमनवेल्थ के आज प्रेसिडेंट चेयरमैन भी और तमाम अलग सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से चर्चा भी हुई है और पंचकुला के अंदर अक्टूबर के सेकेंड वीक में हम कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप पंचकुला के अंदर करवाएंगे जो कि अपने आप में पहला इंटरनेशनल इवेंट होगा। पीसफुल प्रोटेस्ट करना सबका अधिकार है मगर कोई प्रोटेस्ट अगर वायलेंट हो जाए और उससे कोई जान माल को नुकसान होता है तो उसके लिए मुझे लगता है कि विधेयक के तौर पर कानून में परिवर्तन करना आज समय की ज़रूरत भी है। ऐसा कोई उसके अंदर प्रावधान नहीं है जिसको कह दिया जाए कि ड्रैकोनियन लॉ है, हाँ बिल्कुल उसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है कि अगर कोई जान माल का नुकसान करता है तो उससे रिकवरी जो है वो टाइमली मैनर में करी जाए, उसके लिए प्रदेश में एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए कि बजट के अंदर हमें ऐतिहासिक कार्य करने का मौका मिला है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स के तौर पर आज 12-13 हज़ार करोड़ का एक बैंक मिला है, वहीं उसके साथ साथ प्रदेश के अंदर आज रूरल डेवलपमेंट को एडिशनल 1500 करोड़ मिले हैं जिससे मुझे लगता है कि जो हम चाहते हैं देश की सबसे छोटी पंचायत जो सरकारें हैं पंचायतें हैं उनको और पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग